नहीं रखते प्यास, अगर प्यास रख लिया तो फिर आज हम फिर रॉयस से है पीछे से कि हमने मंगल मीटिंग के दिन जो पहले आए थे उन्होंने क्या काम सीखा था, थोड़ा सा याद करें जी। हाँ जी सुन जी, शरीयत की रसूमात क्या है जी, थोड़ा जैसे थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा बोलें ताकि इनको भी पता चले कि क्या रसूमात थी जिनके बारे में थोड़ा सा मैंने कलाम खुदा का सुनाया था आपको। फिर खुदा हमारे साथ रहेगा, परेशानी की बात नहीं होगी, फिर हमें ज़्यादा किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जब हम खुदावंद का पल्ला पकड़ लेंगे तो फिर सारे मसले हल हो जाए, खुद ब खुद वो देखेगा सारे मसले। जब हमारे दरमियान में होकर बनी इसराइल के अंदर चलता था ना, तो फिर जब वो चलाते थे थोड़ा दुख होता था अपनी करतूतों के सबाब से, तो फिर खुदा उनको जवाब भी देता था, अपने बंदा मूसा की मार्फत मन बरसाता, बटेर देता, उनको गोश्त खिलाता, पानी कुछ कीटाणुओं से चीर कर पिला, सब होता था ना। आप बिलीवर हैं ना इस बात के, तो इसी तरह अपनी औलाद और अपनी ज़िंदगी के अंदर कलाम रखें, बिलीवर हो जाएं, आपको सब कुछ मिलेगा, जिस चीज़ की हमें अहम ज़रूरत है खुदा हमें देगा। फिर फजूल रसूमात के बारे में भी बताया था कि दुनिया में शादी से लेकर ब्याह, बच्चा की पैदाइश से लेकर हर एक बात में फौतगी तक भी लोग रसूमात करते हैं, लेकिन जो रसूमात करनी लाजमी है, जो बाइबल की रसूमात है, उनको लोग आज फॉलो नहीं करते। वो मसीही नहीं, उन्होंने ये सीखा नहीं, उनके बाप दादा ने उनको दिया तलीम नहीं दी। अगर खुदा ने मुझे और आपको मौका दिया है तो हमें उन रसूमात को लेना है अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात बताई है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या रस्म करते हैं, क्या करना चाहिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तो किन्नू याद है उस बात से जी सही कौन है जी। हाँ जी, एक आयत पढ़नी चाहिए। हाँ जी, आसमा पढ़ के सुनाए। खुदा मानना तो अपने सारे दिल से, तो अपनी सारी जान ताकत से अकल से खुदा अपने, तो जब बच्चे के दिल के जहन के अंदर पहली आवाज़ खुदा के नाम की जाएगी ना, ये जो गुड़ती जो लोगों ने पुठी रसम पकड़ी है, गुड़ती दो नानी दवे नान, थोड़ी आदत बदल, लेकिन आप यीशु का कलाम दें उसे दुआ, ये बरकत है बच्चे के लिए जारी है। और खुदा उसे सवाल फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसे गीत जबूर, उसको गोद में दूध पिलाते फूट कराते, उसको हर एक बात यीशु के नाम से वो माएँ सिखाती थी, और फिर बड़े बड़े नबी उनमें से पैदा होते हैं, हत्ता कि खुदा का बेटा कुमारी मुकद्दसा मरियम से भी पैदा, जिसका नाम यीशु मसीह। तो शरीयत के आयन मुआफिक पैदा हुआ, लेकिन वो रूह कुदस की कुदरत से हुआ। तो ये खुदा का कलाम है, इसलिए मेरे बहनों, खुदा की बेटियों, खुदा के कलाम को तवज्जो से सुने। आए मेरे साथ, आज बहनों के बारे में कलाम है, औरत का किरदार मसीहत में कैसा होना चाहिए, कैसा है। लूका की इंजील उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा का कलाम सीखेंगे। लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी पहली आयत से खुदा का कलाम सीखें जी। खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे, और बास औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी जी, यानी मरियम मगदलीनी, यानी मरियम जो मगदलीनी के दाती थी, जिसमें से 7 बदबूबे निकली थी जी, और युवाना हेरोदेस के दीवान कोसा की बीवी और सुसाना, हाँ, और बतेरी और औरतें भी थी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। आमीन। कलाम पाक के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे, आमीन। खुदा का शुक्र। सो खुदा के कलाम में लिखा है, थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ, जब यीशु मसीह ने प्रॉपर मनादी करना शुरू किया, पहले तो वो मौजज़े दिखाते थे 30 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान तो यीशु ने बड़ी बातें कलाम की, हैकल में कलाम भी सुनाया, तख्त भी पलटे, और कबूतर फरोशों को भी वहाँ से हैकल से निकाला, बड़ी बातें फकीयों फरीसियों को बताई जो नाजायज़ थी, जो आज कल के दौर के मुताबिक लोग खुदा की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ करते, उस वक्त भी ऐसा था। तो फिर इसके साथ यीशु ने कलाम में बयान किया, 30 साल की उम्र को जब बालिग थे, जब वो मनादी के थोड़े वक्त में
थोड़ा वक्त रह गया था, फिर आज़ादी के साथ ये बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ और मैं तुम्हारा नजात दिंदा। तो 3.5 साल यसू ने मनादी की, उस मनादी के दरमियान 12 शिगिर्द थे और कलाम बयान करता है, वहाँ खुशखबरी सुनाते थे शहरों शहरों में, गाँव गाँव में। ये नहीं था वहाँ कोई चर्च नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ पाँव सूज जाते थे, वहाँ पाँव के ऊपर मट्टी इतनी इतनी जमी होती थी, वहाँ बाल अल्टे होते थे, वहाँ कपड़े फट जाते थे, वहाँ बड़ी हालत ख़राब होती थी, फिर भी वो मनादी करते थे। कोई खाना देता था, कोई नहीं पूछता था, जिस हाल में रहते थे, कहीं कोई अपने घर में टिका लेता तो ठीक, नहीं तो वो पहाड़ों में, वो इस तरह जंगलों में, जहाँ भी उनको जगह मिलती वो सोते थे और खुदा की मनादी, और उनके साथ क्या थी, औरतें भी थी। गौर करें, कलाम पाक बताता है कि बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों से और बीमारियों से क्या पाई थी, शिफा पाई थी, उन्होंने यीशु को जाना था। आज भी मैं यही देखती हूँ कि बहुत सारी बहनें जो हैं, जब उनकी ज़िंदगी के अंदर एक रूहानी बेदारी आती है, या उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, या उनको कोई ऐसा मोजज़ा, या उनके दिल की पुकार बच्चे के बारे में, शोहर के बारे में, या कर्ज़ के बारे में, या किसी भी मुश्किल माँ बाप के बारे में कोई मसला मसाइल, तो लोग खुशी से भर जाते हैं और फिर वो कहते हैं मैंने चर्च नहीं छोड़ना, मैंने हर एक दुनिया का काम छोड़ना है, मैंने बड़ी बहनों से मुलाकात की है, बड़ी बहनों से मैं खुश होती हूँ, बात ऐसी हैं, इतनी मान की मजबूत है। वो कहती हैं कि हम रोटी छोड़ देते हैं, लेकिन सिस्टर जी हम जो है ना चर्च ज़रूर जाते हैं। मैंने कहा खुदा आपको बरकत दे, हम चाहते हैं हमें ऐसे रूहानी लोग मिले जिनसे हम गुफ्तगू करें खुदा के कलाम की, ताकि हम और ज़्यादा बरकत पाएं। तो मैंने कहा ये तो आपकी सबसे बड़ी बरकत है, और ये कलाम फिर मुझे अच्छा लगा कि आज आपसे भी शेयर करूँ कि औरत का किरदार मसीहत में कैसा है। तो खुदा का कलाम बताता है कि ये औरतें, पास औरतें जिन्होंने बुरी रूहों से बीमारियों से शिफा पाई थी, मरियम मगदलीनी फर्स्ट नंबर पे, वो मरियम थी जो कि उस वक्त कस्बी थी। आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, फाशा औरत को कहा जाता है, जो आजकल भी बड़ी बुरी औरतें चल रही हैं। तो ये औरत ने कोई दुनिया का ऐसा गंदा काम जो था नहीं छोड़ा, लेकिन इसे बुलाया गया, फुसलाया गया कि यीशु के पास जाए, उसे बहकाए, लेकिन नहीं जानती थी कि मैं तो खुदा को, खुदा के बर्रे को बकाने वाली हूँ। लेकिन उसके अंदर रूह की कुदरत थी, जैसे जैसे वो क्रॉस करती आती थी दलीज तो अंदर आती जाती थी, यीशु ने गौर से उसकी तरफ देखता जाता था, तो वो समझते थे कि यीशु इसकी तरफ क्यों देखता है, ये तो बस भी और था, लेकिन उसके अंदर से वो विद्रोही, वो गंदगी, वो नपाती जिस तरह यीशु के पास करती चली जाती थी, वो ख़त्म होती जाती थी। फिर कलाम बयान करता है कि वो जब आई है, उसने नहीं किसी को देखा, वो यीशु के कदमों पर गिर गई, और उसने वो जो बुरी कमाई थी उसका इत्र से, इत्र भी खरीदा था, बड़ा महंगा इत्र था, इत्र दान के अंदर लाई थी, और इत्र दान किसी पर ख़ास मोहब्बत की जाए और किसी को स्पेशल खसूसी तौर पर, तो उसको उस पर छिड़का जाता है। तो उसने इसलिए उस पर इत्र, यानी कि छिड़का, पहले आंसुओं से उसने पहले अपने उसके पाँव धोए। तो ये रिवाज था कि वहाँ कोई मेहमान आता था तो सबसे पहले उसकी खिदमत, मैंने बताया ना कि रास्ते कच्चे थे, लोग उसके पाँव धोते थे और उनके पाँव पूछते थे स्पेशल टावल या अच्छा कपड़ा ला कर, तो बड़ी खिदमत का ये पहला दर्जा था कि कोई अपनी मेहमान की इस तरह खिदमत करे। तो फिर वो मेहमान रिलैक्स भी हो जाता था और खुशी से भी भर जाता था, लेकिन वो इतनी बातों में मगन थे, उन्होंने दावत तो की हुई थी लेकिन वो इस बात को भूल गए, वो तो उस औरत की तरफ तवज्जो मतवज्जो हो गए। उन्होंने कहा ये क्या लेने आई है इतनी बदकार और आदमियों के दरमियान, लेकिन वो तो अपने गुनाहों को माफ़ करवाने और अपनी विद्रोहें जो उसके अंदर थी वो ख़त्म करवाने के लिए वो खुदा की कुदरत थी। फरीसियों ने भेजा था यीशु को बहकाए, अब बहकाने वाले तो खुद ही उसकी मोहब्बत के अंदर बहक गए हैं, वो तो खुद ही तब्दील होते जा रहे हैं, वो आ गई अब गिर गई, अब वो रुचारो कतार रो गया, उससे नहीं खबर के क्या, वो तो अपने एक एक गुनाह को लेकर वहाँ रो रही थी, वो कह रही वो जान चुकी थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर वहाँ से तब्दीली आ गई थी जब वो क्रॉस हुई खुदा उनके पास। तो आज भी हमें कलाम यही सिखाता है कि जब यीशु के पास हम रजू होना शुरू कर देंगे ना, हमारा ज़हनियत ख्यालात खुदा की तरफ, तो हमारी बड़ी ज़िंदगी के अंदर बेदारी आएगी, बड़ी सोच में तब्दीली आएगी, हम बदल कर कुछ से कुछ और हो जाएंगे। तो मरियम मगदलीनी भी बदल चुकी थी और फिर वो छोड़ नहीं रही थी, पाँव को चूमे जा रही थी, बोसे पे बोसा थी, और फिर उसके बाल भी बड़े खूबसूरत थे, बालों उसने तौलिए का काम अपने बालों से, बाल इज्जत का निशान समझा जाता है और सर का था, लेकिन उसने यीशु मसीह के आगे झुका कर अपने आप को अपने बालों से उसे साफ किया पाँव को और चूमती रही। तो लोगों ने उसको हकारा, ये नहीं जानता ये कैसी औरत है, बुदकार है, और फिर इसको पीछे नहीं हटाता, क्या ये भी इसके साथ मिल गया, गलत सोच, इंसानी सोच है। लेकिन यीशु जान रहा था उनके दिलों के ख्याल आते, उसने फिर एक सवाल किया, उसने कहा अगर किसी के ज़्यादा गुनाह माफ़ हुए तो ज़्यादा मोहब्बत रखता है, तुम इसे बहुत बदकार कहते हो ना, लेकिन वो जानती है वो किस तरह की थी, और अब वो मोहब्बत दिखाती है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हुए। उस दिन से लेकर मरियम ने कस्बी का लिबास उतारा, उसका लिबास नामुकम्मल था, उसने उतारा उसने रूहानी लिबास यीशु के बदन को अपने ऊपर, उसकी सोच को ले, अब वो कपड़े अच्छे पहनती थी और आम औरतों जैसी जिस तरह शिफाना औरतें ज़िंदगी गुजारती वैसी हो रही थी।
और वह जहाँ जहाँ यीशु की शिगिरदा बन गई, यहाँ यहाँ यीशु जाता, उसके साथ साथ रहती थी, जिस हाल में उनके लिए खाना भी तैयार करती थी, उनकी खिदमत भी करती थी, उनके कपड़े भी धोती होगी, लेकिन रूहानी तौर पर वो औरतें यीशु के साथ जुड़ चुकी थी और वो मरियम मगदलीनी थी, उसका जिक्र है, जिसमें से सात बुतरुएँ निकली थी और योहन्ना और हेरोदिस के दीवान, हेरोदिस जो दीवान है उसके दीवान खाने के अंदर जो नौकर उसकी बीवी की पहली मतलब के नौकरानी थी मलका के सामने, वो खुजा की बीवी थी, वो भी यीशु के पीछे आ चुकी थी, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में मूसा और सुसाना और बथेरी और औरतें भी थीं, और भी औरतें शुमार थीं, जिनमें यूहन्ना की माँ, उसका नाम भी मरियम था, और भी बहुत सारी औरतें थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी, जो कुछ उनके पास था अपनी रोटी पानी से, अपने माल से भी शिगिर्दों की यीशु की खिदमत भी करती थी, और पूरा पूरा टाइम जो है उनके साथ कलाम सुनने में, बहनों को लाने में और बहनों को बुलाती थी, बहनों को लाने में और इज्जत करने में, और यीशु के पास जिस तरह उस औरत ने गवाही थी दी थी जो सामरी थी, घड़ा छोड़ कर गई, और वो तो औरत का बड़ा किरदार है कलाम में, क्योंकि औरत को यीशु ने बड़ी इज्जत दी, औरत से लोग मर्द आज का औरत से नफरत करता है बहुत सारे, लेकिन यीशु मसीह ने औरत को बेटी का दर्जा दे दिया है, और उसे बेटी इस तरह बनाया था, जब आदम के पास वो सो रहा था, पसली में से निकाला था ना, गहरी नींद में जा, तो बाप हमेशा निकाल के लिए बेटी को लाता है, तो जब वो उसकी आँख खुली तो वो खुश हुआ, तो उसने पूछा कि ये, तो खुदा ने कहा कि मैं तेरे पास लाऊँ औरत को, ये ऐसी बेटी खुदा ने उसके सपूत उसे किया था, उसे बेटी का दर्जा मिली, और फिर उसे पसली से निकाला है, ना सर से ना पाँव से निकाला है, उसे बड़ा दर्जा दिया है, लेकिन समझने की बात है ये अपने करैक्टर अपने किरदार से हमने साबित कर रहा है हम किस तरह की औरतें, औरतें हैं बहुत सारी, फ़र्क है करैक्टर किरदार जबान में, अपने शौहर के साथ मोहब्बत करने में, अपने माँ बाप की इज्जत रखने में, ये करैक्टर है औरत का, फिर इसके साथ यीशु के साथ जुड़े रहने में, जिस तरह मरियम मगदलीनी जुड़ी हुई थी, तो खुदा का कलाम बयान करता है ये औरतें ऐसी करती थी खिदमत। आगे हम देखेंगे फिर ये औरतें क्या फिर छोड़कर चली गईं, ये औरतें जब यीशु इस दुनिया से रुखसत हो गए, मौत और कब्र पर फतह पाई, तो क्या वो भूल गए, नहीं बल्कि ये खिदमत जारी रही। इमाल की किताब में आए मेरे साथ चले, मरसूलों के इमाल उसका 16 बाब, और देखें जी रसूलों के माल उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत। और सब्बत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे के दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे, और थबतिरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किमस बेचने वाली सुनती थी। उसका दिल खुदामद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जा करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदामद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। आमीन। अब रसूल जो थे वो गली के कुचियों में टिके हुए थे, वो कहते हैं भाई हम किसी के घर नहीं जाते। खुदा का कलाम बयान करता है जब वो लाखों जगह जगह जाते थे सफ़र करके, तो कुछ लोग उनके जानने वाले होते थे, कुछ मौजज़ात और यीशु की मदादी सुनकर उनके पास आते थे। तो यहाँ कलाम बयान करता है कि एक औरत थी, वो किरमस बेचती थी, वो इत्र का कारोबार करती थी, और बड़ी किरमस उस ज़माने में, आज भी देखें अच्छा परफ्यूम, महंगा परफ्यूम, अच्छी चीज़ जो है वो बड़ी उसको कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी है और उसकी कीमत भी अच्छी है, तो वो सबसे अच्छा किरमस बेचती थी इधर, और उसकी कीमत बड़ी अच्छी लगती थी, और वही कारोबार करती थी, बिजनेसमैन थी, और खुदा का कलाम बयान करता है वो खुदा प्रस्त थी, और वो औरत लुदिया ना उसका नाम था, और खुदा प्रस्त थी, और औरतों को इकट्ठा करके वो सारी औरतें बैठ कर क्या, पहले तो उस किनारे पर उस रस्ते पर जहाँ भी वो रसूल थे कलाम सुन रही थी, फिर उसने जब ये कलाम सुना है बड़ी खुशी से भरी है, उसने कहा दिल खुदा ने खोला, वो कलाम से लबरेज़ हो गई, तो उसने पलूस की बातों पर तवज्जो की, और फिर जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा भी लिया, फिर मिन्नत वो नहीं आ रहे थे उनके घर, नहीं बहन हम नहीं तुम्हारे घर जाते, हम इधर ही रात काटेंगे, उसने कहा मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ तो मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार किया और आओ मेरे साथ, खुदावंद की ईमानदार अगर बंदी समझती हो, अगर मुझे मैंने खुदावंद को कबूल किया तो फिर मेरे साथ चल के रहो, तुम मेरे भाई हो। उसने उनको मिन्नत करके रिक्वेस्ट करके कहा आओ मेरे साथ चलो, तो मिन्नत करके कहा तुम खुदावंद की बंदी को अगर ईमानदार समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो, बस उसने हमें क्या किया, रसूल कहते हैं मजबूर किया,
ऐसी होती हैं रूहानी औरतें, ऐसी होती हैं खुदावंद के साथ चलने वाली औरतें जो खुदावंद के साथ, मैं नहीं ये कह रही कि वो खाना खिलाएं, मैं ये कह रही हूँ कि वो कलाम सुनकर उनका जेहन और उनका दिल क्या करता है, खुल जाता है और वो हर एक चीज़ को अपनी को यीशु की राह पर खर्च करने के लिए, अपनी मालो दौलत भी, अपनी सोच, अपना वक्त भी खुदा के साथ गुजारने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन ये नहीं कि बहुत सारे लोगों को देखा है जो दूर से फ़ोन करते हैं, दूर से कॉल करके कहते हैं हमारे लिए ये हो जाना चाहिए, ऑर्डर लग जाता है, खुदा करेगा अपने नाम की खातर। लेकिन जब हम दिल से खुदा के साथ जुड़ेंगे ना, तो फिर दुनिया में तो जो कुछ मिलेगा मिलेगा, आसमान की बादशाही में बड़ा खजाना हमें मिलेगा, क्योंकि कलाम बताता है। आए दूसरा हवाला देखें, माल की किताब में से उसकी ये उसका 17 बाब, इसमें भी औरतों का जिक्र है। अब अगर औरतें ये खिदमत कर रही तो औरतों के साथ बुरा सलूक भी होता है। अब हमने ये भी देखना है, दूसरा पहलू भी देखना है कि मर्द भी घर में सता सकता है। शोहर बाज औरतों को बहनों के देखे हैं, अगर कोई बहन ज़्यादा चर्च जाने लगे, तो अगर कोई बहन ज़्यादा खुदा के साथ मोहब्बत रखने लगे, या खुदा की शुक्रगुजारी अपने घर में कराना शुरू कर दे और बहनों के साथ मलकर खुदा की बात, तो बहुत सारे शोहर इस बात पे भी नाराज़ होते हैं, भाई नाराज़ होते हैं, बाप भी नाराज़ हो सकते हैं। वो कहते हैं तू की फिर दी रही है ढंग बताया, तू भगतानी बनी है, पास्टर बनी, पादरी बनी, ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन नहीं, रूहानियत का फल हमारी बातों से अपने शोहर की इज्जत करके भी नज़र आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, 17:4, तो पढ़े 17 बाप की 4 आए थे। ऐसी बात भी मान लिया, बलूस और सिलास की शरीफ हुए, खुदाप्रस्त यूनानियों की एक बड़ी जमाई और बेस्टेरी शरीफ होते भी उनकी शरीफ में। आमीन। कलाम में लिखा है कि उनमें से बाज़ ने मान लिया और पलूस और सिलास के शरीक हुए, या पलूस और सिलास कलाम सुना रहे। खुदा प्रत यूनानियों की एक बड़ी जमात थी और बथेरी शरीफ औरतें। अब औरत को कहाँ शुमार किया जो खुदा के साथ चलती है, खुदा प्रस्ती करती है, खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश करती है, अपने शौहर की इज्जत करती है, अपने माँ बाप की इज्जत करती है, उसे बाइबल मुकद्दस शरीफ औरत के नाम से क्या करती है, पुकारती है। बहुत सारी शरीफ औरतें जो खुदा प्रस्त औरतें थीं, खुदा कलाम यहाँ बयान करता है खुदा प्रस्तों में और यहाँ शरीफ औरतों में शुमार हो गई, उनकी शरीक हुई। तो यहाँ जब ये शरीक हुई हैं तो उनको एक मसला पड़ गया, क्या मसला बन गया, आगे देखें जी 5 आयत। बाजारी आदमी में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगा कर शहर के फसाद करने लगे और यसुफ का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। आमीन। कलाम लिखा यहूदियों को हसद आया, यहूदियों को गुस्सा आया, यहूदी यसु को नहीं मानते, वो कहते थे खुदा है, मूसवी शरीयत के मुताबिक लेकिन खुदा का बेटा नहीं। जैसे आज भी बहुत सारी कौमों में हमारे लोग भी अभी बड़े मुश्किल के अंदर है, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। तो कलाम बयान करता है कि उन्होंने क्या किया, कुरान का रसूल तो ये तलीम देते हैं, तो उन्होंने बदमाश उबाश लोगों को बुलाया, बाजारी आदमियों को, उन्होंने औरतों को सताया, औरतों के दुपट्टे खींचे, उनको तंग किया और वो दुआ कर रहे थे, और वो मजमा लगा हुआ था, बिल्डिंग नहीं थी, वो चर्च नहीं था, वो तो बाजार के अंदर था, टेंट के बगैर थे, खुदा का टेंट उनके दरमियान लगा, लेकिन वो लोग उसे उन्हें तंग कर रहे, उनके पे आवाज़ें कसने लगे, तो वो भागे, जैसे भागे वो खुदा का कलाम बयान करता है, उन्होंने घेरा, तो यासून का घर घेर कर उन्हें वो लोगों के सामने ले आना चाह। अब ये यासून एक शख्स है, वो भी रूहानी है, उसके घर उन्होंने पनाह ले ली, तो उसके घर का उन्होंने घेराव कर दिया, उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकालो ताकि हम इनको जीत दें, हम इनको सताएं, औरतों को भी बुरा भला कहें और आदमियों से भी हाथापाई करें। तो इस तरह बयान करता है कलाम के, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं औरत हैं, ये पता हम पर सख्ती आएगी, हमें घर से शुरू करके मुश्किलात, हमें बाज़ार में बाहर जाने तक भी, लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ सही जुड़े हुए हैं, हम कामिल हैं, तो फिर मगदलीनी की तरह सात रूहें निकल चुकी हैं, तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि जब हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं करता, हम गंदगी में नहीं है, तो लोग हमें जो मर्ज़ी कहें, हम गंदगी के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें धोया और हमें अपने लहू से धोकर पाक किया है। इसलिए खुशी करें, शुक्रगुजारी करें, खुदा के साथ हमेशा जुड़े रहें, डरना नहीं, हमारे अंदर डर की रूह नहीं है, हमारे अंदर मोहब्बत की और बर्दाश्त की रूह होनी चाहिए। हमें कोई बुरा कहता है तो कहने दो, बाज़ लोग अपना दाग मिटाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं और बड़े सारे सबूत देने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा खुद ही जानता है कि हम, क्योंकि हमने हिसाब किसको देना है, खुदा को देना। इसलिए वो बाजारी जो आदमी थे वो औरतों को सताते थे, क्योंकि वो खुदा का कलाम सुनने के लिए। अब हम पुराने अहदनामे के अंदर चलेंगे, ये नए अहदनामे की बात थी कि पुराने अहदनामे में भी औरतें ऐसा कुछ करती थी। आए मेरे साथ देखें कज़ात, कज़ात की किताब मुकद्दस में से
क्रूज अबार साथ की किताब निकाली थी मेरे साथ और उसका निकाले चार बाब। अब हम देखते हैं एक औरत है, औरतें मेरी बहनें क्या बहाने करती हैं, जिन बहनों ने दुआ ना करनी हो या शैतान उनको घेरे हो तो कहने कहने बच्चियां का मसला, बड़े मसले ने साथ। लेकिन हम देखेंगे इस औरत के बारे में कि ये औरत क्या है। आइए देखें चार बाब की चार आयत। और उस वक्त जुलदीदस की बीवी दबूरा नबियां बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी और वह इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में रामा और बैतियल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। आमीन। कलाम पाक के वसीले से हम बरकत पाए। कलाम में लिखा है फिलदियोफीत की बीवी दबूरा नबिया थी, पहले थे वो नबिया थी, जो बाद वो कहती थी कलाम से नबूवत करती थी किसी पर कि तुझ पर ये आफत आई या तुझ तेरे साथ कोई अच्छा होने वाला है, वो बताती थी वो कलाम दबूरा था। नबी उसको कहते हैं जो पहले किसी वक्त से पहले को बात कहे और वो छः महीने के बाद, तीन महीने के बाद, दो महीने या साल बाद पूरी हो जाए उसे नबूवत कहते हैं। वो नबिया थी, खुदा उससे कलाम करता था नबूवत की बात रोया में ख्वा में। फिर वो क्या थी, वो जज थी, वो काजी थी, वो बनी इसराइल कौम के लोगों का झगड़ा हो जाता था, कोई ऐसा मसला बन जाता था तो वो लोग खजूर के दरख्त के नीचे अदालत लगती थी और वहाँ आकर उससे अदालत करवाते थे। मर्द क्या औरत, औरत इतनी इज्जत खुदा ने दी हुई थी क्योंकि वो औरत क्या थी, खुदा की बंदी थी। और फिर एक आदमी उसके पास आ गया, वो कहने लगा कि मैंने जंग पे जाना है। अब आदमी आया, उसने कहा मैंने जंग पे जाना है, दबूरा ने नबूवत कर दी, उसने कहा जा चढ़ाई कर, तो उसने कहा ना भाई मैं नहीं चढ़ाई करूँगा साथ चल। अब उसे इतना दुख लगा, उसे अफसोस हुआ, उसने कहा ये यकीन नहीं करता कि खुदा इसके साथ है, एक ऐसा आदमी, तो उसने कहा चल चलती हूँ मैं तेरे साथ, लेकिन याद रख उसे रास्ते में उसने नबूवत की। उसने कहा तुझे इज्जत नहीं मिलेगी, जिस शख्स को तुम मारने के लिए चढ़ाई करने के लिए जा रहा है उसे औरत मारेगी, तुझे इज्जत नहीं मिलेगी इसलिए कि तूने खुदा पे यकीन नहीं किया। तो खुदा पे बेयकीनी बीमारी मुश्किल का बड़ा सबब बन जाती है, चाहे मर्द हो या औरत। लेकिन ये दबूरा नबिया थी, ये काजी थी, ये जज थी और खुदा की बंदी, खुदा प्रस्त भी थी और औलाद भी थी इसके बच्चे, और फिलदियोफ की बीवी भी थी, तो इसका मतलब उसके बच्चे भी थे। बच्चों का जिक्र तो यहाँ नहीं मिल रहा लेकिन वो शादीशुदा औरत थी। तो फिर कैसा बहाना उसने किया, नहीं हमें खुदा के साथ चलने के लिए किसी उजर बहाने की ज़रूरत नहीं है। और ये दबूरा ऐसा करती थी, फिर वहाँ ये एक याए नाम औरत थी, वो भी खुदा परस्त थी, तो उसने उस आदमी को जो बादशाह था, उस जंग करने के लिए आया था, उसे अपने खैमे में ले जाकर मेक से मारा था। उसको उसने खूब दूध पिलाया, उसके अंदर नशा डालकर उसे कंबल लेके सो जा, वो सो गया और वो खुश आ रहा था कि एक औरत के साथ, औरत बड़ी अक्लमंदी से काम करे तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। और वो बदी वाली औरत नहीं थी, उसने समझा चलो मैं इसके खेमे आया हूँ तो चलो मैं ये मुझे खुश करेगी। लेकिन उसने कहा आज तेरा आखिरी दिन होगा, और खुदा की नबिया ने जो नबूवत की थी दबूरा ने, वो याइल ने पूरी की, खुदा का कलाम पूरा हुआ। जब वो खूब गहरी नींद सो गया, उसने कहा मुझे सुकून है, मुझे इस पर और खुदा का कलाम पूरा हुआ और बर्क को वहाँ शिकस्त मिली, शर्मिंदगी मिली, और दबूरा और याइल को वहाँ बरकत मिली और उन्होंने गीत गाया, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ औरतों ने खुदा की तारीफ की और उन्होंने बनी इसराइल के खुदा को मुबारक कहा। इसका पांच बाब दबूरा फिर बरक इसके साथ मिला और उसने फिर मिलकर खुदा की तारीफ की। लिखा पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की, लोग खुशी खुशी बरती हुए, इसलिए खुदावन को मुबारक कहो। ऐ बादशाहो सुनो, ऐ शहजादो कान लगाओ, मैं खुद खुदावन की स्ताइश करूँगी, मैं खुदावन इसराइल के खुदा की मदा गाऊँगी। ऐ खुदावन जब तू शाइर से निकला, जब तू अदूम के मैदान से निकला तो ज़मीन कांप उठी और आसमान टूट पड़ा, बादल बरसे। खुदा का कलाम बयान करता है तो ये औरत जो है इसने बरकत पाई और इसने बड़ी खुदा की तारीफ की और औरतों ने मिलकर क्या किया, साज बजाए दफ के साथ वो गाती हुई खुदा की तारीफ करती हुई उन्होंने कहा कि खुदा ने एक औरत के हाथ से अपने दुश्मनों को क्या दिया है,
मरवा दी और शिकस्त दी है। और खुदा कलाम करता है औरत को इज्जत देता है, शर्त यह है कि औरत अपने सोच अपने दिल से खुदा को पुकारे। अब एक और दूसरी औरत का भी वाक्य देख लेते हैं, पुराने अहदनामा के अंदर दूसरा सलातीन और उसका चार बाब, दूसरा सलातीन और उसका चार बाब। ये भी एक औरत है। हाँ, मैं औरत की बात करी, औरत का किरदार, औरत का रवैया, औरत का करैक्टर और औरत का खुदा के साथ जुड़े रहने से कितना बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। वो जो बेटियां खुदा परस्त बहनें होती हैं, जो खुद दुआ करती हैं शोहर ना भी करें, उनके लिए दुआ करती रहती हैं, एक दिन उनके शोहर, उनके भाई, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आती है और एक दिन वो भी खुदा के पास आ जाते हैं, तौबा के लायक बन जाते हैं। दुआ पर दुआ करना है, घबराना नहीं है। ये औरतें बहन भी रखती थी, भाई भी रखती थी, बच्चे भी रखती थी, शोहर भी रखती थी, लेकिन ये खुदा परस्त के अंदर थी। हाँ जी, दूसरा सलातीन उसका चार बाप और उसकी आयत नंबर देखेंगे 9। सो उसने अपने शोहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बनाएं और उसके लिए पलंग और मेज़ और चौकी और शमा दान लगाएं, फिर जब भी कभी हमारे पास आए तो वहीं ठहरे। अब ये औरत ने अपने शोहर को मशवरा दिया, अरे शोहर भी अकलमंद मर्द उसके पास आता है, मर्द खुदा अलीशा। लेकिन उस औरत ने अपने शोहर को मशवरा दिया, कहने लगी हमारे घर बहुत बड़ा और इसके अंदर हम एक कमरा बना, उसके अंदर हम पलंग लगाएंगे, हम क्षमादान लगाएंगे, हम उसके ऊपर चौकी रखेंगे उसके बैठने के लिए और हम जब आया करेगा नहा रहा होगा। ये मर्द खुदा हमारे मुल्क हमारे शहर में कभी कभी आता है खुदा का कलाम सुनाने के लिए, हम इसकी कुदरत करें। अब ये कभी कभार महीने दो बार यहाँ या तीन बाद आते तो ये ज़बरदस्ती, जिस तरह रसूल को वो लुतिया कहती थी किरमस बेचने वाली, हाँ मेरे मैं मिन्नत करती हूँ मेरे घर, तो ये भी उसको अपने घर नबी को और उसके खादम को जहाजी को ले जाती और वहाँ ले जाकर उनकी खिदमत करती खाना। और उसके एक बड़ी मज़े की बात, उसकी एज भी काफ़ी हो गई और उसके पास बच्चे भी। अब दोनों मियाँ भी को खुदा ने बड़ी बरकत दी थी, रुपया पैसा, लेकिन रुपया पैसा खुदा के नबी और खुदा के बंदा के मोहब्बत के लिए, खुदा का कलाम सुनने के लिए खर्चा और उन्होंने इज्जत की। तो फिर उसने पूछा कि बात हुई दोनों के दरमियान, तो उसने कहा कि ये क्या चाहती है और कितनी हमारी हिम्मत करती है, जब हम आते हैं ये बड़ी हमें हाथों पे उठाए रखती है और बड़ी हमारे आगे पीछे फिरती है, उसका कोई मसला है? तो ये उसने कहा बता, नबी ने कहा कि उसको पूछो अपने नौकर से कि पूछो कि ये क्या चाहती है, मैं बादशाह से इसकी कोई शिकायत करूँ, कोई इसका खेत या कोई इसका मसला कोई ऐसा मसाइल है तो हल हो जाए। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुशी से क्या करती हूँ तुम्हारी खिदमत करती। अब जो दूसरा बंदा था उसके साथ, उसने कहा मालिक मैं एक बात बताऊँ, सब कुछ इसके पास है, इसकी मोहब्बत है पर इसके पास बच्चे नहीं हैं। तो फिर खुदा के नबी ने वहाँ कलाम किया और क्या कहा, खुदा के नबी ने आए आयत देखें 14 आयत, फिर उसने उससे कहा उसके लिए क्या किया जाए, तब जियाजी ने जवाब दिया वाकई उसके पास फर्जंद नहीं और उसका शोहर भी क्या है बूढ़ा बुढ़ापे में है, औलाद के काबिल नहीं है वो दोनों मियां भी, अब औलाद की चांसेस भी नहीं है। लेकिन खुदा जब कलाम करता है तो पत्थरों में से खुदा इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है और कलाम में बयान किया 15, तब उसने कहा उसे बुला ले, जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी, तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होते होने पर तेरी गोद में बेटा, नबी ने नबूवत। औरत ईमान किस पर, खिदमत और ईमान किस पर, खिदमत भी वही औरत कर सकती है जो ईमानदार है, जिसके अंदर खुदा का कलाम भरा हुआ है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें सुनना है और ये नहीं कि सुन के तो इतने चर्च छट जाना, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर लेना है। पास्टर साहब वहाँ होते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पहले भी काम करते हैं, भाई भी करते हैं, सारा फिर इसके रात को बैठ जाते हैं जब ड्यूटी ख़त्म होती है, वहाँ मिला वहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को कलाम सुना है। वहाँ भी एक बहन वो औरत और खुदा की खिदमत भी करती है, वहाँ भी पास्टर साहब को कोई वहाँ पास्टर साहब ने खाना खाना तो मेरे भाई साहब कुछ ही बैठे रहो भज के जाएंगे तो खाना देते हैं तो चाय लानी है कुछ नहीं, मेरे भाई साहब ने उठा सानू कलाम सुना, वो कलाम सुनाते हैं कुछ भाई तब्दील हुए, बहनें तब्दील हुई और उस बहन ने तौबा का इकरार कर लिया, अब उसने बपतिस्मा भी लिया और भाइयों ने भी लिया आपके साथ। तो वो बहन ने परसों हमारी दावत की थी विशाल और यकीन हमारे दावत से ज़्यादा मुझे पुलिस पाती थी कि बहन ने अपनी बेटियों को जो शादी बुला अपनी बहनों को अपनी बहुओं को अपने सारी पहली औरतों को दावत दी थी कि मेरे घर के अंदर आके उसका के खादम आने वाले कैसे। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मैंने कहा ये रूहानी तौर पर मैंने वहाँ औरत का कलाम देखा और मैंने जाना कि औरतों को कलाम की जरूरत है।
ऐसी भी औरतें हैं, और उसने खाना बनाया था, अब हम खाना खा कर गए थे, और उसने 3 घंटे इंतजार किया हमें रस्ते का पता नहीं था, घूमते घूमते बड़ा टाइम लग गया बड़ा, तो लेकिन वो कहती मैं जब से छत पर खड़ी बार बार अपने बेटों के पीछे जाती और देखती थी फ़ोन करो कॉल करो वो आए क्यों, मैंने पूरे लोगों को बुलाया काम दिया वो आए नहीं, मेरा दिल परेशान, और आप शुक्र है खुदा का बरात होगी शाम होगी अब आ गए और अब हम खुदा का कलाम भी सीखेंगे और बहुत सारे लोग और भी गौर करके बात करते हैं, हम सब मेरे घर बैठे हमने खुदा का कलाम सीखा, उन्होंने इकरार दिया, अब वो चाहते थे कि हम अक्सर उनके पास जाया करें और वो खुदा का कलाम सीखें और ज़्यादा बढ़े, तो मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि ज़्यादा प्यास लोग रखें किसकी खुदा के कलाम। फिर एक और बहन मिली तो उस बहन ने कहा हाँ हाँ पास्टर साहब सिस्टर ने मैं तंग करें बेटे की बात मेरे कर रही थी, कहने लगी हम ना बरकत चैनल के साथ हमारा चैनल न्यू इश्लाम हमारे रख के आता है हमने LCD पर सेट किया मैं तो तुम्हारे बेटे के प्रोग्राम बड़े सुने, तो पास्टर साहब बड़ा खुश हुए कहते अच्छा इस समझ में शाद के अंदर भी खुदा काम कर रहा, उसने कहा हाँ मैं और उन लोगों को भी बताऊँगी कि आओ न्यू इश्लाम चर्च क्रिश्चियन का चैनल यहाँ चलता है आप कलाम सीखें, तो यानी इसका मतलब कि खुदा ने जो हमें रोना दी थी 8 साल पहले, मैं ईमान के साथ रहती हूँ बोंगवाला में गुबावा में निशाद में और इस सारे एरिया में जहाँ यीशु ने शादी मुझे दिए थे वो पूरा होता था कि वो ये पूरा इलाका वो सारा जूम करके जो खुदा ने मुझे दिखाया था वो पूरा कलाम हुआ, औरतें और मर्द खुदा का ख्याल आते हैं, हालांकि निशाद के अंदर उसी गली के अंदर दो चर्च थे, मैं नहीं कहती पास्टर से वहाँ कलाम नहीं सिखाते, लेकिन वो शायद खुदा के खादिम के साथ रहते हुए उनकी रवैये से उनकी रात देखकर जॉब के दरमियान बातें अच्छी सुनकर करेक्टर की वजह से या कुछ भी ऐसी तो वो फिर सीखते कलाम और फिर खुदा के कलाम के साथ बड़े सालों के बाद खुदा के पास आए, ये नहीं कि वो 2-4 दिन की में टाइम लगता है घबराना नहीं, इसलिए शरीफ औरतें बथेरी औरतें जो खुदा प्रस्त औरतें थी काम याद करता है इस तरह की औरतें होती हैं और खुदा का शुक्र है। अगर दूसरी दावत हमें के अंदर औरतें हैं वो भी बड़ा चाहती हैं कि हम खुदा का उनके साथ जो है बिल्कुल गुबावा के ऊपर मेन रोड के ऊपर वहाँ वो समेशन आर्मी का चर्च उनके घर के साथ, मैंने कहा नहीं भाई वो गुस्सा करेंगे हम नहीं आपके यहाँ मीटिंग करते आपकी वैसे ही जुमेरात की मीटिंग होती है, मैं कहने लगे कोई बात अगर उनकी मीटिंग होती है हम रिक्वेस्ट करते हैं आप भी हमें कलाम सिखाएं, मैं कहो वेलकम खुदा का शुक्र आप कलाम के भूखे हैं, सबसे खुशी की खबर लोग रोटी के भूखे हैं आप कलाम के भूखे हैं, खुदा आपको कलाम देगा कि खुदा उनका कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, आप जैसे पहले तब्दील होगी आपकी औलाद आप सब खुदा पर आस रखेंगे और आने वाले दिनों में आपकी नस्लें आप कलाम से बदल, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ बहनों के लिए आप बहनों के लिए आपके बच्चों के लिए आपके खानदान के लिए भी हम सब ने मिलकर दुआ करनी है, खुदावंद अपना काम करे अपने नाम को जलाल दे हम सब बहन भाई खुदा के नाम की क्या करें हमेशा शरीर करें बना, सो औरत का किरदार मुसीबत में ऐसा होना चाहिए रूहानी और ऐसा बेजर कि किसी बगैर मकसद के मतलब के और बगैर किसी इंसानी सोच के हमें मुसीब खुदा से मोहब्बत रखनी है उसके कलाम की इज्जत करनी है, हमने दुनिया की फिक्र नहीं करनी, अगर हम दुनिया को देखने लगे तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे आमीन, खुदा का शुक्र हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें खुदा के सिर झुकें लश्करों के खुदा को पुकारें कि मेरा और आपका खुदा हम सबसे प्यार करता है हमसे मोहब्बत करता है।